नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कांग्रेस कभी भी हिंदू, हिंदुस्तान और सनातन को बदनाम करने से पीछे नहीं हटती है। अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता के बेटे ने यह सवाल पूछा है कि सनातन धर्म क्या है। इस पर कांग्रेस के ही एक नेता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके नेता सनातन धर्म को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि जवाब भी उन्हीं के पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से। पूर्व गृह और वित्त मंत्री घोटालों के आरोपी पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा। उनका सवाल था कि सनातन धर्म क्या है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने ट्विटर पर यह सवाल अपने फॉलोअर्स से हफ्ते भर पहले पूछा था। उन्हें जवाब दिया है कांग्रेस के ही मिलिंद देवड़ा ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवड़ा ने आध्यात्मिक गुरु श्री चिन्मय की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे दोस्त, सनातन धर्म न तो कोई धार्मिक सिद्धांत है, न ही कोई नैतिक संहिता। इसका इंसान की बनाई जातियों और संप्रदायवाद से कोई रिश्ता नहीं है। यह तो शाश्वत नियम है और ब्रह्मांड हमारी आंतरिक प्रकृति को बनाए, बांधे और नियंत्रित रखने की कला है। कार्ति चिदम्बरम ने सनातन शब्द अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत थी। उन्होंने सनातन को संताना लिख दिया था। इस पर भी कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने तंज कसा। देवड़ा ने इस पर चुटकी लेते हुए लिखा कि संताना एक अमेरिकन गिटारिस्ट है, कार्लोस संताना। वो शानदार संगीत बनाते हैं। हालांकि अपनी गलत अंग्रेजी और सनातन को गलत लिखने पर कार्ति चिदम्बरम ने माफी मांग ली। अब देवड़ा की इस जवाब पर ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि वे मनीष तिवारी 2.0 हैं और जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। एक यूजर ने कहा कि आप गलत पार्टी में हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें अक्सर लगती रहती हैं। पिछले साल जून में देवड़ा ने गुजरात सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। उसी वक्त कांग्रेस में रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए थे। तब देवड़ा ने लिखा था कि कांग्रेस को अपनी पुरानी स्थिति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देश की बड़ी पार्टी के तौर पर वह यह कर सकती है और करना भी चाहिए। हमारे पास अब भी ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर सशक्त किया जाए और बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वे नतीजे दे सकते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि काश मेरे मित्रों, सम्मानित साथियों और मूल्यवान सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा होता। हालांकि देवड़ा ने अभी तक कांग्रेस से अलग रास्ता नहीं पकड़ा है। जिसने सनातन को सही मायने में समझ लिया वो पक्का सनातनी हो जाएगा। सही कहा है, दुनिया में धर्म सिर्फ एक है जो प्रकृति प्रदत्त ईश्वरीय धर्म है, बाकी सब तो इंसानों द्वारा बनाया गया मजहब है। अब एक सरल और साधारण सवाल है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कि क्या यही सवाल किसी बाकी धर्म को लेकर पूछ सकते हैं आप लोग? अगर नहीं तो फिर सनातन पर ही सवाल क्यों? कार्तिक चिदम्बरम साहब, काश आपने पिताजी से पूछा कि उन्होंने कितना घोटाला किया और जेल क्यों गए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।